गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कैंडिड लाइफ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज है सेकेंड डे सैन एंटोनियो में और हमारा जो ट्रिप है उसका पार्ट सेकेंड है। तो जैसा कि मैंने कहा कि होटल में ब्रेकफास्ट हम लोग को दिया जा रहा है, तो ये हम लोग खा रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन थी, बहुत ज़्यादा रश थे, तो मैं पूरा वीडियो तो नहीं कर पाई। एंड हालांकि ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी रहता है यहाँ पे कोई भी होटल में आप जाओ। तो आज हम लोग तीन मेन डेस्टिनेशंस घूमने वाले हैं जो सैन एंटोनियो, जो कि बहुत फेमस है ये डेस्टिनेशंस के चलते। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन जो हम लोग जा रहे हैं इसका नाम है द एलामो। ये एक्चुअली एक हिस्टोरिक साइट है जहाँ पे इंडिपेंडेंस की लड़ाई वगैरह हुई थी। एंड दिस इज़ अ म्यूज़ियम्स लाइक क्रिएटेड आउट ऑफ दैट। ये बिल्डिंग्स जो है ये ओरिजिनल बिल्डिंग्स है जो कि तब हुआ करता था। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए जो साइट का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं वो पूरा ओरिजिनल तब के स्टोन्स एंड ब्रिक्स से बना हुआ है। एंड यहाँ पे टूर गाइड भी है जो एक्सप्लेन कर रही है। और इसी म्यूज़ियम के साथ एक स्टोर भी है जहाँ पे आपको एलामो के ऊपर डिफरेंट मेमेंटोज भी मिलेगा। एनीवेज़ ये तो हर जगह पे रहता है, यूएस में आप कहीं भी घूमने जाओ, कोई भी आइकॉनिक जगह हो वहाँ पे आपको ये स्टोर मिलेगा। और मैं अपना मेमेंटो एज यूजुअल कलेक्ट करने में लग गई बिकॉज मेरा हॉबी है ये कलेक्ट करना। और भी कुछ कुछ छोटा छोटा म्यूज़ियम्स है जो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड आई हैव कलेक्टेड माई मेमेंटो। और ये देखिए ये हम लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मिलिट्री के लोग जो वॉर फ्रंट में एक्चुअली सोल्जर्स जो लड़ते थे, ये उनका बेडरूम है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रूम्स है। लोग एलामो घूम लिए तो बहुत हिस्टोरिक प्लेस है ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। एंड तो अभी जा रहे हैं लंच करने एंड एक इंडियन रेस्टोरेंट में बुफे लंच है। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इंडिया पैलेस रेस्टोरेंट में। यहाँ पे लगा हुआ है बुफे लंच और हम लोग को भूख भी काफ़ी लग गया है। और कितना यम सा खाना है सब देखिए, मतलब बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है अंदर से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो एक छोटा सा एक्वेरियम है जो कि किड्स का डिमांड है, हम लोग को जाना ही पड़ेगा वहाँ पर। वो देख के फिर हम लोग निकलेंगे जो नेचुरल ब्रिज कैवर्न्स है जो कि बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है सैन एंटोनियो का, वहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सब कोई बैठे हैं लंच करने एंड बहुत ही टेस्टी यमी सा लंच है। तो नेक्स्ट हम लोग निकल गए हैं अभी ये एक्वेरियम। ये बाहर से तो छोटा लग रहा था गाइस, बट ये अंदर से काफ़ी ह्यूज था। एंड हम लोग भी, मतलब किड्स के साथ हम लोग भी बहुत इन्जॉय किए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ कुछ यूनिक क्रीचर्स हम लोग को दिखे एंड फिश वगैरह तो था ही। और आप फीड भी कर सकते हो, मतलब आप पेनी डालोगे और फीड भी कर सकते हो एनिमल्स को। यहाँ पे देखिए बहुत ही यूनिक से मतलब एनिमल्स थे और कितने कलरफुल फिशेज हैं। तो ये बहुत इन्जॉय किए, इसका मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई। एंड इसके बाद हम लोग वो एक्चुअली ना हम लोग गाइस बहुत तुरंत तुरंत कर लिए थे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं नेचुरल ब्रिज कैवर्न्स जो कि बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए हम लोग। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं नेचुरल ब्रिज कैवर्न्स एंड यू कैन जस्ट सी द रोड। इसका रोड कितना हिली सा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था रोड ट्रिप इसका। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हम लोग आए हैं नेचुरल ब्रिज कैवर्न्स और ये बहुत ही यूनिक डेस्टिनेशन है सैन एंटोनियो का। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, अंदर घुसते साथ हम लोग को पहले ही स्टोर दिखा मेमेंटोज का, और यहाँ पे आइदर एंट्री वे में और एग्जिट वे में ये चीज़ रहता ही है। तो पहले हम लोग मेमेंटो यहाँ का कलेक्ट कर लिए और वॉशरूम्स भी यूज़ कर लिए। एंड फूड वगैरह जो भी खाना था हम लोग स्नैक्स वगैरह खा लिए बिकॉज़ आप फूड कैरी नहीं कर सकते हो व्हेन यू आर गोइंग इनसाइड द केव।
और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन प्लेस जो है वहाँ पे जा रहे हैं। ऑलरेडी टाइम हो रहा है धीरे धीरे, और इस टूर के लिए एक स्पेशल टूर गाइड रहते हैं जो कि हम लोग को ले जाएंगे केव के अंदर। और इसका स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होता है जो कि आपको फॉलो करना है केव्स के अंदर स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया में हम लोग आए हैं एंड शी इज़ गोइंग टू कम और गिव इंस्ट्रक्शंस। Everyone, my name's Donna. I'm your tour guide today for the 1110 Discovery Tour. And before we head down into the caves, we go over some information and rules with all of our guests so you know what to expect while we're on tour. Our first and most important rule. सो फ्रेंड्स, अभी सारे रूल वो एक्सप्लेन कर दी है और अभी हम लोग निकल गए हैं उनके पीछे पीछे केव के अंदर। अभी वो टिकट्स भी चेक कर रहे हैं एंड उनके पीछे पीछे हम लोग को जाना है एंड वो जगह जगह पे खड़े होके एक्सप्लेन करेगी क्या चीज़ क्या स्पेशलिटी है इस केव का। That this area where we're standing here was once the upper room for the Discovery Cavern system, but the ceiling collapsed in. सो फ्रेंड्स, मुझे तो इतना मतलब थ्रिल हो रहा था जैसे जैसे हम लोग डाउन जा रहे थे, और वो टूर गाइड स्पेशली बोली कि डाउन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड होने वाला है। तो ये देखिए, हम लोग धीरे धीरे केव के अंदर घुस रहे हैं एंड द गाइड इज़ हियर। सब कोई घुस जाएंगे क्लस्टर्स में, तो उसके बाद ही वो फिर आगे जाएगी एंड एक्सप्लेन करेगी। और स्पेशली हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कैमरा का जो फ्लैश है वो ऑफ रखने के लिए। तो वो फिर से एक्सप्लेन कर रही थी कि ऐसे कैसे ये फॉर्म हुआ है, कैसे ये जो सेडिमेंट्स है, ऐसे जो रॉक्स है वो फॉर्म हुआ है। तो ये एक बहुत ही नैरो सा पैसेज है, यहाँ पे हम लोग स्पेशली ना बहुत मतलब लो बेंड होके हम लोग जा रहे थे, बट बहुत ही ज़्यादा थ्रिल लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई एडवेंचर में निकले हैं। एंड अगेन वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर शी इज़ एक्सप्लेनिंग कि कुछ कुछ सेडिमेंट्स है, कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है वो कैसे ओवर द ईयर्स फॉर्म हुआ है। यहाँ पे देखिए, सिटिंग के अरेंजमेंट में है जहाँ पे हम लोग सब बैठे थे एंड उनका जो इंस्ट्रक्शंस है, सॉरी उनका जो मतलब ये एक्सप्लेनेशंस है इसके बारे में, वो हम लोग सुन रहे थे मन लगा के। एंड बहुत ही मतलब स्टीप वेज थे, देखिए यू कैन सी द ब्रिज उसी के अंदर बना हुआ है, क्योंकि नीचे ना बहुत ही डीप है। एंड हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया गया नॉट टू टच द वॉल्स एंड ऑल। यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स विच हैज़ फॉर्म्ड। ये देखिए, एक छोटा सा लेक भी फॉर्म हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाला। फ्रेंड्स, हो गया हम लोग का केव्स देखना एंड बहुत ही थ्रिल था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अभी जाने वाले हैं, ये एक और एक हिस्टोरिक साइट आप बोल सकते हो। यहाँ पे ना छोटा छोटा पॉपुलेशंस हुआ करता था, मतलब क्लस्टर्ड पॉपुलेशंस हुआ करता था। उन्हीं लोग का जो रिमेन्स है, मतलब उन्हीं घरों का या फिर चर्च का जो भी रिमेन्स है वो रह गया, एंड दीज आर द ओरिजिनल रिमेन्स। तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक सा प्लेस था। ये देखिए, ये तब के बिल्ट मतलब वॉल्स है, तो ये कॉटेजेस तब के बिल्ट के हैं। एंड यहाँ पे हर एक कम्युनिटी हुआ करता था, हर एक कम्युनिटी का एक अपना चर्च हुआ करता था। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे, मतलब हर जगह पे लिखा हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ था। एंड ये देखिए, रोमन नंबर्स है यहाँ पे जो कि रिमेन्स में रह गया है। एंड ये अपने बेटे को एक्सप्लेन कर रहे थे मेरे हस्बैंड कि ये कौन सा नंबर है। तो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द चर्च। तब के जो चर्च हुआ करते थे उसका डोर देखिए कितना अलग सा है, एंड दिस इज़ द चर्च। ये देखिए कितना पीसफुल है। और अभी हम लोग आए हैं दूसरे कम्युनिटी में, ऐसे हम लोग चार स्पॉट्स घूमे और अभी शाम भी हो गई है, तो अभी जाने की बारी है होटल। एंड यहाँ पे हम लोग देखिए होटल पहुँच गए, हम लोग तो थके हारे बैठे हैं बेड पे, बट किड्स को देखिए फुल एन्जॉयमेंट के मूड में है, डांस गाना ये सब चल रहा है रूम के अंदर। Hey guys, so today is Tuesday और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। We had a nice trip and बहुत ही अच्छा लगा San Antonio। तो everything was good, but आज देखिए कैसा बारिश हो रहा है।
ये आज 100% रेन है एंड एक चीज़ खाली मुझे बुरा लग रहा है, वी मिस्ड वन स्पॉट टुडे, जापनीज टी गार्डन हम लोग मिस कर गए एंड वो बहुत ही एक सुंदर सा गार्डन है बट ड्यू टू रेन हम लोग नहीं जा पाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस एंड कल से शुरू है फिर डेली लाइफ, तो चलिए फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स सुबह से ना वार्निंग थी हमारे मोबाइल पे कि 12 बजे तक ना निकले बिकॉज़ बहुत ही सीवियर वेदर था, बट 1 हो गया है अभी तो वेदर भी ठीक हो गया है, थोड़ा सा रेन कम हो गया है और अभी हम लोग निकल गए हैं घर के तरफ। तो फ्रेंड्स ये सैन एंटोनियो का ट्रिप जो मैंने शेयर किया ये आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि सैन एंटोनियो इज़ रियली वर्थ अ विजिट, स्पेशली द केव्स, वो बहुत ही थ्रिलिंग बहुत ही इंजॉयबल था। तो मिलते हैं आप सबसे इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड बाय बाय।